दरभंगा में युवती की असली तस्वीर हुई वायरल। दरभंगा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में गांव की एक विवाहित युवती का युवक ने एक निजी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इन तस्वीरों को वायरल करने के साथ ही इस पर आरोपी ने कुछ अशोभनीय टिप्पणी भी की। जब सवाजनों को इंटरनेट मीडिया पर असली तस्वीर वायरल होने की जानकारी मिली तो पीड़ित परिवार के लोगों युवक से शिकायत करने पहुंचे। फिर वह मारपीट पर उतारू हो गया। फिर दोनों परिवार के बीच विवाद बढ़ता गया और जमकर मारपीट हुई। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ताराहाली गांव में इंटरनेट मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल होने से दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से रोड़ेबाजी हुई। घटना की सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के नेतृत्व में नगर SP अशोक कुमार, सदर SPO अनोज कुमार सहित कई थाने की पुलिस पहुंची। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। बताया जाता है कि गांव की एक विवाहित पुत्री की तस्वीर गांव के एक युवक ने पोस्ट कर दिया, साथ में ही कुछ अश्लील बात भी लिख दिया। कुछ देर के बाद पीड़िता के स्वजनों की घटना की जानकारी मिली। हालांकि लोग ने मामले को पंचायती में समाधान करने की कोशिश की, लेकिन निदान नहीं हो पाया। सामाजिक दंड को आरोपित मिराज ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से तनाव हो गया। देखते ही देखते इलाका रण क्षेत्र बन गया। इसमें दो लोग जख्मी हो गए। इधर मामले को लेकर पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं बहादुरपुर अंचल अधिकारी के बयान पर गांव के दर्जन से ऊपर लोगों की आरोपित का प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन शांति भंग नहीं हो इसे देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बिहार में मानसून ने दी दस्तक। दक्षिण पश्चिम मानसून का बिहार राज्य में प्रवेश आज दिनांक 12 जून 2021 को हो गया है तथा मानसून की रेखा दरभंगा शहर तक पहुंच गई है। मानसून की उत्तरी सीमा NLM अक्षांश 20.5 डिग्री N तथा देशांतर 60 डिग्री E दीव, सूरत, नंदुरबार, रायसेन, दमोरिया, उमरिया, पेंडर रोड, बोलांगीर, भुवेश्वर, परिपाद, पुरुलिया, धनबाद, दरभंगा और अक्षांश 27 डिग्री उत्तर देशांतर 85.0 पूर्वी से होकर गुजर रही है। इसके आगे बढ़ने और अगले 24 घंटे के दौरान पूरे बिहार राज्य को कवर करने के लिए स्थितियां अनुकूल है। इस वर्ष मानसून का आगमन अपने सामान्य तिथि यानी 13 जून से एक दिन पहले हो गया है। दरभंगा में शराब धंधेबाजों का कारनामा। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के जलवारा पंचायत स्थित डेंगुआ दुर्गंध संग्रह केंद्र में दूध की जगह शराब मिल रही है। जिस डेयरी में दूध होना चाहिए वहां एक दो नहीं बल्कि 426 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। गिनती में शराब की 1136 बोतल पाई गई है। अब दरभंगा से दुबई के लिए फ्लाइट। बिहार से दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे हैं लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब दरभंगा एयरपोर्ट से भी दुबई के लिए फ्लाइट मिल सकेगी। अगले महीने यानी जुलाई से स्पाइसजेट और इंडिगो दोनों ही एयरलाइंस दुबई के लिए उड़ान सेवा शुरू करने जा रहे हैं। स्पाइसजेट 3 जुलाई से वाया मुंबई फ्लाइट सर्विस शुरू कर रहा है। वहीं लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो एयरलाइंस 5 जुलाई से वाया हैदराबाद विमान शुरू करेगा। इस सर्विस के शुरू होने से सीधा फायदा उत्तरी बिहार के लोगों को। देखते ही देखते नदी की धारा में समा गया चिचड़ी का पुल। कुशेश्वर स्थान का इलाका यूं तो साल के आधे समय पानी से घिरा होता है, लेकिन इस बार समय से पहले नदी में पानी बढ़ने से परेशानियां बढ़ गई है। सलमगढ़ और केवटगामा के बीच बना चिचड़ी का पुल देखते ही देखते जल समाधि ले लिया। ग्रामीण बेबस और लाचार होकर देखते रह गए। चिचड़ी के पुल ध्वस्त होने के कारण कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। ग्रामीण मनोज कुमार ने बताया कि यह चिचड़ी का पुल ही ग्रामीणों के लिए एकमात्र लाइफ लाइन था। राज केवटगामा का यह पुल नदी में बह जाने के कारण अब कई गांवों के लोगों की समस्या बढ़ गई है। ब्लॉक मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।